भक्ति कर मिला है क्या? देवताओं को भी दुर्लभ है। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हर आदमी अपनी असलियत खो बैठा है। भगवान भोलेनाथ अपने स्त्री मुख से कहते हैं, उमा हे भवानी, उमा कहूं यह अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। स्वप्नवत संसार को हम अपना समझ बैठे हैं, ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। कहना है मानवता को भूल कर भटक रहा जहूं और रे मन मूर्ख बावरे पहुंचे क्या भरोसा दे मिट जाए पल माही श्वास श्वास सुमिरन कर और डोली उठती है। एक शादी होती है तब, 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 तब दूसरी शमशान को जाती है तब, तब। इसलिए कहना है दो दिल की जिंदगी में इतना तो जुल्म भूला तू माया मोह में छोड़ना है। क्या कहना है परम सम्मान मन परम सम्मानित श्रद्धे मंच पर आसन सुनील यादव जी
आपकी ओर से डांडीवाड़ा सुनील यादव जी आपके कर कमलों से 51 रुपए भगवान के भजन में साधा संप्रेम भेंट होते हैं। प्रभु आपके हर मनोरथ पूरा करे, एक के अनेक लौटाए, कहना है बचपन, दूजा कदम जवानी है और कदम समझ लो उछल, चौथा कदम रवानी है। इस धरती पर सिकंदर महान आए, काये दुनिया वालों, जब भी मेरा जनाजा निकले मेरे दोनों हाथ कफन से बाहर करवा देना, ताकि दुनिया के लोगों को एहसास होवे सिकंदर महान भी इस धरती से खाली हाथ गए। जय हो, क्या कहना है। मुख से कहते हैं ए दुनिया वालों, चुपल नहीं आव पाहुनो, लोग हफ्ते के सातों दिन अपनी डायरी में ऐड कर लेते हैं, आज फलानी पार्टी में जाना है, फलानी ऑफिस अटेंड करना है, लेकिन एक दिन यह भी नोट कर लो कि एक दिन शमशान को भी जाना है। क्या कहना है। सभी भजन मंडले चाय पी ले भैया। हाँ भाई। इस निर्जल स्थान पर विराजमान श्री हनुमान जी महाराज, जिनकी अवर्णीय छटा है, बड़ी मनोरम, बड़ा ही मनोरम यहाँ का दृश्य है। क्या बात, कहना है। श्री गुरु चरण कहना है।
दुखी अपनी समस्या लेकर आते हैं, तुरंत निदान होता है। कहना है तेरा दर्द तो हकीकत में दुखियों का सहारा है, वो तेरा दर्द तो होते हैं। कहना है तेरा दर्द तो हकीकत में दुखियों का सहारा है, तेरा दर्द तो हकीकत में दुखियों का दरबार में आते हैं। बिगड़ी हुई तकदीरें पल भर में बनाते हो, अब लाज रखो बाबा, हमें तेरा सहारा है, तेरा दर्द तो हकीकत में दुखियों का सहारा है, रामचरितमानस से कथा सुनेंगे। महामुनि विश्वामित्र, मन में एक आस्था है, जन्म जन्मांतरों के प्यासे जिन चरणों के लिए लालायित हो रहे हैं, उनका जन्म अवधपुरी में राजा दशरथ के द्वारे पर हुआ है। जय हो। क्यों ना जाकर के दर्शन करूं। महामुनि विश्वामित्र परम सम्मानित श्रद्धे हमारे परम मित्र राजेश ककोड़िया जी, आपके कर कमलों से 101 रुपए मंडल को सादर सत्रह भेंट होते हमारे हृदय प्रिय ककोड़िया जी का बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और इस पावन दरबार में आपका वंदन अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आ
पुरी की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। राम लला के दर्शन की के लिए जिनके जिन नयन तरस रहे हैं, जय हो। साथ में एक समस्या भी है, जहाँ यज्ञ हवन करते हैं असुर आकर विध्वंस कर देते हैं, उन्हें लाकर यज्ञ की रक्षा भी होगी। चलते चलते मन में विचार करते हैं और क्या होता है, हो मेरे जाने जीवन का जीवन रूपी सूर्य कब अस्त हो जाए। प्रभु दरस बिना बीत न जाए कहीं, हो चरण लगाए रखना। ये जीवन रूपी नैया तुम्हारे हवाले करती है, क्या कहना है। इनकी पारी करने वाला थार जैसा न कोई, पदार्पण होता है, यथोचित सत्कार करते हैं, दिव्य सिंहासन पर विराजमान करते हैं, कुशल क्षेम पूछते हैं, क्या हुआ। कुशल क्षेम पूछने के बाद महाराज दशरथ से गुरु विश्वामित्र कहते हैं, हे राजन, मैं राम एवं लक्ष्मण को लेने के लिए आया हूं। जय हो। ना मांगो मेरे राम को, हे मुनिनाथ महाराज, बालक है मेरे राम लला चाहे ले लो से प्यारे। चौथी अवस्था में जिन सुकुमारों की प्राप्ति हुई है उनमें श्रेष्ठ मेरे राम है, उनके बिना मैं एक पल भी नहीं जी सकता। क्या हुआ। है प्राणों से प्यारे मेरे राम लक्ष्मण, सहारा न मांगो जाना न मांगो मेरी खुशी। जाना न मांगो मेरी खुशी।
हमारे प्राणों के आधार, हम सबके प्राणों प्राण आधार है, जगत के पिता है, जगत के नायक है, जगत के कल्याण के लिए जिनका अवतार हुआ है, क्या होता है? मेरे राम को न तुंगा जय मुनिनाथ मरते मरते भोपाल। अति शीघ्र भैया अपनी पूर्ण तैयारी से मंच पर आने की कृपा करें। श्री बाल गोपाल भजन मंडल भोपाल। क्या होता है आगे? हेलो भैया, समय का विशेष ध्यान रखें। सोन भाई, आपसे मेरा निवेदन है कि आप अति शीघ्र अपनी पूर्ण तैयारियों के साथ मंच पर पधारें। इसके बाद द्वितीय दौर चालू होगा। ये प्रथम दौर की अंतिम मंडल है और सीमा समय 20 मिनट का रहेगा भैया, इसलिए सोन भाई अति शीघ्र जाएं। मेरे प्राण आपकी सबसे बड़ी भूल है। जिन अवतार जगत के कल्याण के लिए हुआ है, वे राम सबके हृदय प्रिय है, मुनियों के काज बनाने वाले हैं। आज महामुनि विश्वामित्र वन की ओर प्रस्थान करते हैं, जिनके पीछे धनुषधारी श्री राम एवं लक्ष्मण हैं। क्या होता है भैया? क्योंकि कुछ हमें झंडा वंदन करने में भी लगेगा, अभी ये झंडा को नीचे उतारना है। सोन भैया आप अति शीघ्र जाए। सोन भाई, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो आप अति शीघ्र जाए, क्योंकि झंडा वंदन भी करना हमें।